संजय सिंह, आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पे मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं इस बिल के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ और मैं इस बिल का विरोध इसलिए कर रहा हूँ मान्यवर कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के विरुद्ध है। ये भारत के संविधान में लिखे गए प्रस्तावना के विरुद्ध है। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और शहीद आजम भगत सिंह के सपनों के भारत के विरुद्ध है। इसलिए मैं इस बिल के खिलाफ बोलने के लिए, अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं मान्यवर। मान्यवर, आपके सामने अभी कहा गया सत्ता पक्ष के द्वारा कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की चिंता है, अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की चिंता है। आपके सामने कहा गया मान्यवर कि जो माइनॉरिटीज बांग्लादेश में हैं उनकी चिंता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, आपको गुजरावाला में रहने वाले हिंदुओं की चिंता है, कीजिए, करना चाहिए, लेकिन गुजरात में आपके गृह राज्य में पूर्वांचल के हिंदू, बिहार के, यूपी के मारे गए, पीटे गए, भगाए गए, उनके बारे में एक शब्द आपने क्यों नहीं बोला, इसको आज इस सदन में बताइए, अपना स्टेटमेंट दिखाइए। आज आसाम के अंदर आपने एनआरसी लागू की, 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया, जिसमें लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार पूर्वांचल के लोग हैं मान्यवर, जो ना आज यूपी में जिनका रिकॉर्ड है, ना बिहार में जिनका रिकॉर्ड है, ना आसाम में 71 के पहले आपने रिकॉर्ड मांग लिया, वहां भी उनका रिकॉर्ड नहीं है। अपने ही देश में वो विदेशी घोषित हो गए। आप बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं को तो नागरिकता देंगे, लेकिन यूपी और बिहार के, आसाम में रहने वाले वो लाखों नागरिक जिनकी नागरिकता इस एनआरसी के चलते खत्म हो गई, उनका क्या करेंगे? इस बिल में आपने उसके बारे में कुछ नहीं किया। आपने कहा पूरे देश में आप एनआरसी लागू करना चाहते हैं, घुसपैठियों को भगाना है। दूसरे सदन में बार बार कहा गया घुसपैठियों को भगाना है, घुसपैठियों को भगाना है। मैं दो बयान दिखाऊंगा मान्यवर। एक माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान है, यह बयान मान्यवर है 28 सितंबर का, जो अमेरिका में शेख हसीना जी प्रधानमंत्री जी के साथ, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, उनके साथ मीटिंग करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एनआरसी विल नॉट इंपैक्ट बांग्लादेश, एनआरसी बांग्लादेश पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। दूसरा बयान है विदेश मंत्री जी का, यह बयान इनका है मान्यवर 20 अगस्त का, ढाका बांग्लादेश में विदेश मंत्री जी ने कहा, एस जयशंकर जी ने, कि एनआरसी जो है वो हमारा इंटरनल मैटर है, आंतरिक मामला है। आप कहते हैं घुसपैठियों को भगाएंगे, आप तो कह रहे हैं ये आपका आंतरिक मामला है। इसका मतलब आपको अगर घुसपैठिए मान लीजिए मिल गए, 2 करोड़ घुसपैठिए अगर आपको मिल गए, तो आप हिंदुस्तान के अंदर एक घुसपैठिया देश बनाएंगे और उन घुसपैठिया देश बना के उन घुसपैठियों को रखकर देश की जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे से उनको बिजली फ्री, पानी फ्री, चिकित्सा फ्री, शिक्षा फ्री, आप करना क्या चाहते हैं? इस देश में अपनी सनक को पूरा करने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं? ये देश को तोड़ने की आपकी संस्कृति है। हिंदू धर्म जिसको हम मानते हैं, जिसको हम जानते हैं, वो वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है मान्यवर। वो कहता है पूरा विश्व हमारा परिवार है, हम उस अवधारणा को, उस धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम किसी के साथ भेद और नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को नहीं बनाना चाहते। 2-3 बात यहां पर कही गई, कहा गया मान्यवर हिंदू माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हुआ, इतनी मीटिंग हुई बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ। आज आप बताइए कब आपने, प्रधानमंत्री जी ने या विदेश मंत्री ने, कभी एक बार भी हिंदू माइनॉरिटीज के अत्याचार का मुद्दा उनके सामने उठाया हो, उसका जिक्र आप कीजिए। अंत में 5.5 साल आपकी सरकार हो गई, आप कह रहे हैं हम घुसपैठियों को भगाएंगे, घुसपैठियों को भगाएंगे। गृह मंत्री जी जब आप वक्तव्य दीजिए तो 5.5 साल में 5.5 घुसपैठिया अगर आपने भगाया हो उनका नाम बता दीजिए। धन्यवाद। उनका नाम बता दीजिएगा आप। इसका मतलब आप इस देश को अपनी सनक से चलाना चाहते हैं, आप इस देश को तोड़ने की संस्कृति में यकीन रखते हैं, नफरत फैलाने की यह संस्कृति में यकीन रखते हैं। इस सोच को, इस विचार को बंद कीजिए। और आम आदमी पार्टी इसीलिए इस बिल का विरोध कर रही है कि यह देश के संविधान की मूल आत्मा को नष्ट करने वाला बिल है।
नानेवर दूध न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।